है, इसके बारे में हम जो है डिटेल से चर्चा करते हैं एक एक करके, जो जो आपकी मेन है। तो एनजीसी के बारे में कितने किसके मार्क्स हैं, क्या किसका पीएचडी का क्या फायदा है, सारी चीज जो है बिमल सर आपसे डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस सेशन। सो मैं आज आप सभी के साथ हम लोग अब डिस्कस करते हैं कि ONGC में हम MSc केमिस्ट्री के बाद कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या हमें क्राइटेरिया होता है, कितने मार्क्स चाहिए होते हैं हमें MSc में, कितने मार्क्स इफेक्ट करेंगे हमारे, कितने मार्क्स का हमारा इंटरव्यू होता है, कितने मार्क्स गेट स्कोर के इफेक्टिव होते हैं, और PhD करें या फिर PhD ना करें, PhD होने का ONGC ज्वाइन करने पर क्या फायदा मिलता है, ऐसे सारे सवालों को वन बाय वन चलिए स्टार्ट करते हैं। MSc के बाद जॉब का सबसे पहला और सबसे ज्यादा प्यार किया जाने वाला पार्ट है आपका ONGC। ONGC लगभग हर साल आपको जॉब वैकेंसी प्रोवाइड करता है, और ये जॉब वैकेंसी ऑन एन एवरेज हर साल आपको 50 जॉब्स तो मिनिमम ONGC आपको प्रोवाइड करता ही करता है, जो कि MSc केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स को डायरेक्टली रिक्रूट करता है थ्रू एन इंटरव्यू, और वो इंटरव्यू भी बहुत आसान ही होता है अगर आपने गेट की तैयारी अच्छे से करी हो। तो चलिए मैं आपको वन बाय वन सारी चीजें डिटेल में समझाता हूं, एक ही बात में आप सारी की सारी बातें समझ जाएंगे। सबसे पहली बात कि ONGC में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो ONGC में MSc केमिस्ट्री के बाद, MSc इन केमिस्ट्री के बाद, MSc इन केमिस्ट्री के बाद आप गेट क्वालिफाई करने के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। MSc इन केमिस्ट्री के साथ आपके MSc इन केमिस्ट्री में आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करी जाए, तो आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है आपका 60% इन MSc आपके होने चाहिए, 60% इन MSc होने चाहिए। अगर आपके इंस्टीट्यूट में आपको CGPA मिलता है, तो CGPA को परसेंटेज में डिफरेंट चेंज करने का आपके इंस्टीट्यूट का एक प्रोफार्मा होगा, वो साथ में आपको लगाना पड़ेगा। मतलब कहीं कहीं पर 6.5 CGPA 60% के इक्वल होता है, और कहीं पर मतलब कहीं कहीं पर आप होता है ना कि मल्टीप्लाई बाई 10 होता है, और कहीं कहीं पर मल्टीप्लाई बाई 9 या फिर 9.5 भी होता है। तो ओवरऑल आपका फाइनल एम ये होता है कि अगर आपके MSc में 60% है, तभी आप ONGC ज्वाइन कर सकते हैं एज अ केमिस्ट पोस्ट। आपको एक केमिस्ट की पोस्ट मिलेगी, जो कि एक वेल रेप्यूटेटेड जॉब होगी ONGC में आपकी, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात आप समझ गए, 60% मार्क्स चाहिए होते हैं। सेकंड चीज, उसके बाद क्या, उसके बाद आपका गेट क्वालिफाई होना चाहिए। गेट क्या होना चाहिए, क्वालिफाई होना चाहिए, गेट क्वालिफाई होना चाहिए, गेट क्वालिफाई। और गेट क्वालिफाई आपका जो होना चाहिए वो उसी ईयर का होना चाहिए जिस ईयर आप अप्लाई कर रहे हैं। जैसे अगर मैं बात करूं आपसे 2021 की, तो 2021 में 2021 में जो जॉब्स आएंगी, उस जॉब्स में सिर्फ और सिर्फ आपके गेट 2021 वाले स्टूडेंट्स को अप्लाई कराया जाता है, गेट 2021 वाले स्टूडेंट्स को अप्लाई कराया जाता है। दूसरी बात आपको यह क्लियर होनी चाहिए। अब इसके बाद आपकी कितनी रैंक आनी चाहिए, रैंक का क्या खेल है, और फाइनल मेरिट कैसे बनती है। तो ये तो आपने गेट क्वालिफाई कर लिया, गेट क्वालिफाई कर लिया, आपके गेट के रैंक से आपके पास लगातार आपको ONGC की वेबसाइट चेक करते रहने होती है, और गेट के रिजल्ट के एक दो महीने के अंदर ही ONGC अपनी जॉब वैकेंसी निकाल देता है हर साल। तो आप वहां पर डायरेक्टली आपको ONGC में जाकर अपना गेट अप्लाई, गेट के स्कोर के साथ आपको वहां पर अप्लाई कर देना होता है। अप्लाई करने के बाद वहां पर होता है आपका इंटरव्यू। तो देखते हैं कि आखिरकार आप फाइनल मेरिट कैसे बनती है। तो इन ONGC में आपको टोटल 100 मार्क्स की एक फाइनल मेरिट बनती है, 100 मार्क्स की एक फाइनल मेरिट आप सभी के सामने बनती है। ये 100 मार्क किस तरीके से डिवाइडेड होते हैं, तो जरा इसको ध्यान से समझेंगे और आप ONGC के बारे में सारी चीजें समझ जाएंगे। आपको यहां पर 60 मार्क्स, इस 100 में से 60 मार्क्स आपको गेट स्कोर के थ्रू मिलते हैं, गेट स्कोर के थ्रू यहां पर आपको डायरेक्टली 60 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है भाई। इसके बाद आपको यहां पर जो 25 मार्क्स होते हैं, 25 मार्क्स होते हैं आपके एकेडमिक्स के, किसके होते हैं, एकेडमिक्स के, किसके होते हैं भाई, एकेडमिक्स के होते हैं, ठीक है। इसके बाद आपके जो 15 मार्क्स होते हैं, जो आपके 15 मार्क्स होते हैं, ये 15 मार्क्स होते हैं आपके इंटरव्यू के, किसके होते हैं, इंटरव्यू के होते हैं, इंटरव्यू के होते हैं। तो आप जरा ध्यान से समझिएगा, आपका जो गेट स्कोर होता है, आपका जो गेट स्कोर होता है, ये आपका गेट स्कोर होता है 1000 का, कितने का होता है, 1000 का आपका गेट स्कोर होता है। मतलब कि आपके गेट स्कोर में, सुनना ध्यान से, गेट स्कोर में हर 16.66 नंबर, गेट स्कोर के हर 16.66 नंबर आपको यहां पर एक एक नंबर देते हुए चले जाते हैं,
और मैं एग्जांपल के तौर पर अगर मैं समझाना चाहूं कि कितने मार्क्स में कितना गेट स्कोर, कितने गेट स्कोर में कितने आउट ऑफ 60 मार्क्स आपको मिलेंगे, तो मैं अपना ही एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा। मेरी एआईआर रैंक थी आपकी 57, ठीक है, 57 एआईआर रैंक में जो मुझे गेट स्कोर मिला था, वो गेट स्कोर मिला था मुझे 760 गेट स्कोर मिला था, एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं 760। वहीं पर इंस्टीट्यूट्स में और जो मेरे फ्रेंड्स थे उनको मैं ऑन एन एवरेज आपको बता दूं कि जो आपकी ऑल इंडिया रैंक एआईआर रैंक अगर जिन लोगों की अराउंड 10 के आसपास थी, जिनकी 10 के पास एआईआर थी, उनको जो गेट स्कोर मिला था, उनको जो गेट स्कोर मिला था वो अराउंड ऐसे कह सकते हो आप 920 अराउंड, एक एवरेज बता देना हूं 920 अराउंड, या फिर 950 भी कह सकते हो, इसको क्या कह सकते हो आप 950 कह सकते हो। अब जरा ध्यान से समझो, 950 माइनस 760 करके उसको उससे आप 16.66 से डिवाइड करेंगे, मतलब क्या है कि AIR में 10 AIR का डिफरेंस आने से, सॉरी 40 AIR का डिफरेंस आने से आपको इन 60 नंबर में 10 मार्क्स का डिफरेंस आ जाएगा, 10 मार्क का डिफरेंस आ जाएगा। मतलब जिसकी रैंक 10 के आसपास होगी वो आपसे ऑलरेडी इन 60 नंबर में ही 10 नंबर आगे चला जाएगा, और ONGC में 2-3 नंबर ही आगे चले जाना, इन 100 मार्क्स में से 2-3 नंबर ही आगे चले जाना, उसको बैकअप करना आसान नहीं होता है। ठीक है, पहली बात ये आपको समझ में आ गई होगी कि आपका जो गेट की जो रैंक है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहीं अपना सिलेक्शन आप फाइनल कर दीजिए, क्योंकि अगर यहीं पर आप 10 नंबर किसी से आगे निकल गए तो आपको ना कोई एकेडमिक्स में पीछे कर पाएगा, ना ही कोई आपको इंटरव्यू से पीछे कर पाएगा। अब एकेडमिक्स का खेल बिल्कुल सिंपल होता है, एकेडमिक्स बड़ा ही सिंपल होता है। एकेडमिक्स में क्या होता है कि एकेडमिक्स में आपको 20 और प्लस 5 का गेम होता है, ये कितना होता है 20 प्लस 5 का, 20 मार्क्स सबको मिलते हैं, ये 20 मार्क्स सबको मिलेंगे, ये मार्क्स सबको मिलेंगे जिनके एमएससी में 60% है, जिनके एमएससी में 60% है, वो डायरेक्टली उनको यहां पर पूरे के पूरे 20 में 20 मिल जाएंगे, मतलब कि जितने लोग अप्लाई कर रहे हैं सबको 20 नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे, भले आपके 60% हो, 80% हो, 90% हो एमएससी में, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात क्लियर समझ में आ गई आपको। ये जो 5 मार्क्स होते हैं, ये 5 मार्क्स मिलते हैं अगर आपकी पीएचडी कंप्लीट हो गई हो तो, क्या पीएचडी कंप्लीट हो गई हो तो ये मिलते हैं कब, जब आपकी पीएचडी कंप्लीट हो गई हो, पीएचडी कंप्लीट हो गई हो, तो अगर आपकी पीएचडी कंप्लीट है तो पूरे 5 नंबर, और अगर पीएचडी कंप्लीट नहीं है तो फिर ये 0, और 5-20 नंबर सबको मिल ही रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू आखिरकार कैसे होता है, क्या क्या वेरिएबल्स होते हैं, तो इंटरव्यू होता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑल इंडिया रैंक्स। मैं इंटरव्यू को भी और क्लियरली आपको बता देता हूं कि कुछ बच्चे हो सकता है इस वीडियो देखने के बाद इंटरव्यू की तैयारी के टाइम इस वीडियो को देख रहे हो, तो ये होता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑल इंडिया रैंक्स। मतलब एक दिन में जो इंटरव्यू कराए जाते हैं, तो आप वहां जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि एक दिन में जितने बच्चों को बुलाया गया, कि आज मान लीजिए इतनी तारीख को 100 बच्चे आए, तो वो सारे के सारे 100 बच्चों की रैंक एक डिफरेंट होगी। मतलब पहले हायर रैंक्स को बुलाया जाता है और हायर रैंक्स के स्टूडेंट से टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनसे क्वेश्चन की क्वालिटी चेक, क्योंकि वो चाहते हैं कि अगर आपकी रैंक कम है तो आप क्या, आपको सच और चीजें आती हैं, हो सकता है आपका पेपर खराब हो गया हो, तो उस तरीके से आपको चेक करना चाहते हैं। जिनकी रैंक कम होती है या फिर जिनकी रैंक अच्छी होती है, मैं कहूँ जिस दिन लास्ट डेज में जब इंटरव्यूज हो रहे होते हैं तब रैंक टॉप रैंक स्टूडेंट्स आते हैं, जब टॉप 20 या टॉप 30 रैंक वाले स्टूडेंट्स आएंगे, और उनसे बड़े ही आसान से सवाल पूछे जाएंगे। जैसे कि मैं जब रैंक देने गया था तो 50 तक के स्टूडेंट्स को बाद में बुलाया गया था, मेरा 57 था, तो मैं 57 वाली रेंज में था, तो उस समय जब मेरा इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पूछा मुझसे कि मोलैलिटी इन सब में क्या डिफरेंस होता है, पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस के कुछ क्वेश्चंस पूछे, और बड़े ही कुल मिलाकर इंटरव्यू में आपको कॉन्फिडेंस रहना होता है, जो आपको आ रहा होता है आप हंसते मुस्कुराते हुए उनके जवाब दीजिए, और जो नहीं आता है आप इजिली मना कर सकते हैं कि सर मैंने गेट में अच्छा किया था, कुछ दिनों से नहीं पढ़ा इसलिए मुझे गेट में मार्क्स नहीं मिले, मतलब कि मैंने कुछ दिनों से पढ़ा नहीं है इसलिए मुझे ये टॉपिक नहीं आता है, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और ऑन एन एवरेज यहां पर जो आपका स्कोर होता है, एक एवरेज स्कोर मैं जो बता दूं, वो अराउंड 10 मार्क्स तो सबको मिलता ही मिलता है। अगर आप अच्छे से हंसते हुए प्यार से बात करके आएंगे, एक डिसेंट वे में जाएंगे, एक डिसेंट वे में आएंगे, तो आपको 10 प्लस मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। अब देखो ओवरऑल यहां पर सिनेरियो क्या है, इस इंटरव्यू में आप मुश्किल से एक दो नंबर किसी से
ज्यादा पा सकते हैं, पहली बात ये, ठीक है। दूसरी बात, एकेडमिक्स में कोई फायदा नहीं, एकेडमिक्स में पीएचडी वाले को 5 नंबर एक्स्ट्रा मिली जाएंगे और 20 सबको मिल ही रहे हैं। तो ओवरऑल काम कहां है, ओवरऑल काम है गेट स्कोर का। और गेट स्कोर में आप ये भी देख रहे हैं कि 57 और 10 में आपका गेट का रैंक का डिफरेंस कितना आया। आप पहले, अब मान लो यहां पर मुझे मिल रहे हैं, यहां किसी को मिल रहे हैं 45 मार्क्स, ठीक है। अब 45 यहां से मिल रहे हैं आपको, 45 मिलेंगे जब आपकी 50 के आसपास रैंक आएगी, ठीक है। और 20 मार्क्स आपको डायरेक्टली मिल गए, यहां पर आपको मान लो 11 नंबर इसके मिल गए। अब इसी जगह कोई दूसरा एक स्टूडेंट होगा जिसकी रैंक 10 होगी, तो उसको ऑलरेडी 45 की जगह उसको 55 मिल गए। तो जहां वो 55 मिल गए, तो वो अपने मन से, क्योंकि 55 के साथ 20 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, और वो इंटरव्यू भी क्रॉस करेगा तो उसको 10 नंबर भी मिले, तब भी वो आपसे आगे निकल ही जाएगा। तो ओवरऑल आपका काम क्या होता है, जी जान लगानी है हमें अपने गेट पर, और कोशिश करनी है कि हम गेट में टॉप 50 के अंदर आ सके फॉर जनरल कैटेगरी। कोशिश करनी है हमें कि ओबीसी वाले स्टूडेंट्स अराउंड 70 AIR के साथ पास आ सके, और कोशिश हमें यह करनी है कि एससी और एसटी वाले स्टूडेंट्स 100 से 150 के अंदर अपनी रैंक लाए, अगर उन्हें किस में अप्लाई करना है, अगर उन्हें अप्लाई करना है ONGC में अपनी जॉब कंफर्म करनी है। तो कैटेगरी वाइज आपकी इतनी रैंक आपको लानी है, और सिर्फ एक ही तरीका है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना डिटेल में हर टॉपिक को पढ़ेंगे, फिजिकल इतनी स्ट्रांग करेंगे, प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करेंगे, तो उतना ही ज्यादा आपका गेट में अच्छे मार्क्स आने की संभावनाएं होंगी। क्योंकि ONGC में बहुत सारे स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे, 20,000 स्टूडेंट्स में टॉप 50 में आना, कंपटीशन ज्यादा है, पेपर आसान होता है गेट का, नेट का पेपर टफ होता है लेकिन कंपटीशन उतना ज्यादा नहीं होता है, इसलिए गेट का पेपर भी नहीं आती है और च्वाइस भी नहीं आती है कि वहां पर आपको डायरेक्टली जो क्वेश्चन आएगा वो करना ही आपको पड़ेगा। जी सर, ठीक है। अगर जो है बात करें हम जो है इसमें, कि सिर्फ जो है हमारे फोकस करना है गेट के मार्क्स पर, गेट में अच्छी रैंक लेकर आनी है, और अकेडमिक्स तो लगभग सबका सेम मिलना है, जिसने पीएचडी कर रखी है उसके 5 मार्क्स इन 100 में से ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। वो ज्यादा डिपेंड नहीं करेगा, मेनली जो है ये डिपेंड करेगा, और इंटरव्यू भी ज्यादा डिपेंड नहीं करने वाला, हाँ 1-2 मार्क्स का अंतर आएगा, ठीक है। तो ये तो ONGC की बात थी, इसके लिए जो आपको गेट की अच्छे से प्रिपरेशन करनी होगी, तो ये बात थी। नेक्स्ट जो है अब हम बात करते हैं।